हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर का पराठा। तो मटर ले लिया है मैंने, अदरक लहसुन मिर्च काट लिया है मैंने, घिस लिया है, और मसाले ले लिए हैं, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हींग जीरा से तड़का दे देंगे, उस मसाले डाल देंगे, मटर डाल देंगे, सब को ढक देंगे, पक जाए। मटर पक गई है, मटर पक जाए उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने खटाई फुलाई हुई है, आम की जो खटाई होती है, उसमें गुड़ भी डाल के वैसे गुनगुने पानी में फुला दिया है। इसकी चटनी बनाएंगे, मीठी चटनी। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा भी है, और ये खटाई में गुड़ मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसको गैस में चढ़ा दूंगी, थोड़ा सा उबल जाएगा ये, तो ये बन जाएगा। ये देखिए लहसुन मिर्च और टमाटर धनिया ये सब की चटनी बना रहे हैं, अदरक डाल के पराठे के साथ खाने में टेस्टी लगता है ये चटनी। चटनी बन के तैयार हो गई है, इसको निकाल लेंगे। मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया है, देखिए कितने बढ़िया पराठा बन रहे हैं मटर के। आटा थोड़ा सा गीला सा, मतलब रोटी से एकदम मुलायम आटा सा है, तो बहुत अच्छा पराठा बनता है। थोड़ा सा भी कड़ा हुआ तो पराठे फट जाते हैं। थोड़ा सा मुलायम ही आटा साने तब अच्छा पराठा बनता है, बढ़िया भरते अच्छे से बनता है कोई भी पराठा। देखिए फूल गया है, ये देखिए पराठा चटनी तैयार हो गया है। ये देखिए इतना फूला हुआ पराठा है बन रहा, खाने में बहुत टेस्टी लगा था। देखिए जल्दी थी तो मैंने तीन तीन पराठा लंच के लिए एक साथ ही रख दिया था जल्दी जल्दी में। ये बन के लंच तैयार हो गया है इनका, टिफिन का। इनको देखिए चाय पी रहे हैं अपने हाथ से, चाय पीने का बहुत शौक है इनको, ताए ताए करते हैं। देखिए कितने अच्छे से पी रहे हैं। ये देखिए दोपहर का लंच तैयार है हम लोगों का, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये शाम का नाश्ता है, चाय बनाई थी मैंने, चाय, बिस्किट, नमकीन, और ये शाम की सब्जी है आलू बैंगन की। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा है मेरा वीडियो। थैंक यू।